मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि बेटा झुककर जो चलते हैं वो कभी नीचे नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं। बड़ों का आशीर्वाद और उनकी दुआएं मिलती रहें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, क्या चरण छूने से या झुककर चलने से या हर बात उनकी मानने से भी अगर दूसरा आदमी कुछ समझ ही नहीं पा रहा है हमको और हम अपने व्यवहार के कारण या अपनी आदत के अनुसार संस्कार के साथ बंधे हुए हैं और हम उन्हें इज्जत मान सम्मान प्यार और सेवा भाव सब कुछ देते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग हमारे नहीं बन पा रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती या किसी और की क्या गलती? कैसे करूं, क्या करूं ऐसा जो दूसरों के लिए खुशी और उनके लिए सारी सुख सुविधाएं मैं अपने जतन से करके उनको दे पाऊं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब कुछ नहीं मिल पा रहा है या कुछ भी चारों तरफ से नहीं हो पा रहा है तो मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, किससे अपने बाप को बाप कहूं, माँ को माँ कहूं, किसकी दुआओं में अपने ही दुआ शामिल करूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरी क्या गलती, मुझे कोई बताएगा कि मैं दूसरों को कैसे अपनी आत्मा निकाल कर दिखाऊं कि हर तरीके से मैं उनके लिए समर्पण हूं? क्या करूं?